तर आम्ही आता पोहोचलो आहोत बानासुरा डॅमला. इकडे मागे तर चला जाऊया. द बानासुरा सागर डॅम इज लोकेटेड 21 किलोमीटर्स फ्रॉम कल्पेट्टा इन वायनाड डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला इन द वेस्टर्न घाट्स. ये भारत का सबसे बड़ा मिट्टी का डैम है और एशिया में दूसरा सबसे बड़ा डैम है. इट इज़ डेफिनेटली एन इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट अट्रैक्शन जो घूमने आते हैं वायनाड और नियर बाई प्लेसेस पर. बानासुरा सागर डैम की एंट्री फीस 40 पर पर्सन है फॉर अडल्ट्स एंड ₹20 फॉर किड्स. द ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइम फॉर बानासुरा सागर डैम इज़ फ्रॉम 9 to 5 PM. केरला की सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट जिप लाइन यहाँ पर है विच इज़ 400 मीटर्स. और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज़ें जो कि आपको स्क्रीन पर दिख जाएगी. लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा वी रेंटेड बाइक्स एंड दिस इज़ आवर फर्स्ट लुकआउट प्लेस. आफ्टर दिस प्लेस हम फिर से जाने वाले हैं हमारे जॉस्टल पर. सो वी नीड टू हरी अप क्योंकि हम बहुत दूर का ट्रैवल करने वाले हैं. एंड एट नाइट देर आर वाइल्ड एनिमल्स नियर बाय. ऑल्सो वहाँ स्ट्रीट लाइट्स नहीं है और आफ्टर 9 PM रिक्शा भी ऊपर नहीं जाती है. अगर आप लोगों ने बाइक रेंट की है तो वेल एंड गुड. एंड जोस्टल हिल पर है देर फॉर द ओनली ट्रांसपोर्टेशन इज रिक्शा. बुकिंग के टाइम जो पहला वाला रूम था वो ही सिर्फ बच गया था इसलिए हमें वो मिल गया. पर नेक्स्ट 2 डेज के लिए हमने ये रूम बुक किया था जो कि बहुत ही सुपर्ब था. पहिल्या रूम पेक्षा हा छोटा आहे बाथरूम. पहिल्या रूमचा खूप मोठा होता. पर्सनल गॅलरी कह रे बंद नाही होत का. नेक्स्ट मॉर्निंग उन लोगों का दोपहर तक थोड़ा सा काम था तो मैंने सोचा क्यों ना मैं खुद अपने सफ़र पर निकल चलूँ. तो आई स्टार्टेड माई सोलो जर्नी टूवर्ड्स द एडिकल केव्स. अभी तक हम लोगों ने सिर्फ रिक्शा से सफ़र किया था. सो हुआ क्या था कि हम लोगों ने ठीक से ये सीनरी और ये नेचर ये नज़ारे देखे नहीं थे. सो आज मेरे पास वो मौका था क्योंकि कल रात को आए हम तो कल रात को भी फिर हमें देखने के लिए कुछ नहीं मिला. सो दिस मॉर्निंग वॉज वेरी स्पेशल फॉर मी. सो मैं निकल पड़ा अपने मंजिल की ओर.
ऐसे नज़ारे मैंने सिर्फ मूवीज़ में देखे थे, पर जब अपने आँखों से आप देखते हो तो बहुत ही सुपर नज़ारा है ये। सो जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ से एडिकल केव्स 28 किलोमीटर्स पर है, मतलब एक घंटे का रास्ता, बट द रोड इज़ फुल ऑफ ग्रीनरी, सो आपको ड्राइविंग करते वक्त बहुत ही मज़ा आने वाला है। आफ्टर 1 आवर ऑफ ड्राइविंग मैं पहुंच गया मेरे डेस्टिनेशन पर, जो कि है एडिकल केव्स। एडिकल इज़ द ओनली नोन प्लेस फॉर स्टोन एज कार्विंग इन साउथ इंडिया। द कार्विंग belongs to the Neolithical and Mesolithical age, and it includes ancient stone scriptures, ancient weaponry figures, symbols, figures of various animals and human beings. यदि आप कभी वायनाड जाएंगे तो एक जगह जिसे आपको कभी नहीं भूलना चाहिए वो है एडिकल केव्स। आपको पहाड़ी इलाके में 1 किलोमीटर तक ट्रैकिंग का बेहतरीन अनुभव मिलेगा। अगर आपको टॉप ऑफ द हिल जाना है तो आपको 380 स्टीप स्टेप्स लेने पड़ेंगे, बहुत ही ज़्यादा स्टीप स्लोप है वहाँ पर, तो आपके पैर की तो बैंड बजने वाली है, ये तो फिक्स है, और एक्सपीरियंस तो बहुत मस्त रहेगा, आई कैन बेट यू दैट। और हाँ, टिकट प्राइस है 50 पर पर्सन, और कभी भी सैटरडे संडे जाना नहीं, क्योंकि आपको मैं दिखाऊंगा आगे। जस्ट कीप वॉचिंग दिस वीडियो और थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब भी कर दो यार, अगर आप नए हो इस चैनल पर। सो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट, डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट सब्सक्राइब बटन। हाँ तो दोस्तों, मैं इस चीज़ की बात कर रहा था, क्या आप ये क्राउड देख रहे हैं? मैं लाइन में 30 मिनट से खड़ा था, लाइक हाफ एन आवर। सो दैट्स द कंक्लूजन कि पीक टाइम पे आना नहीं। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि इसे एडिकल केव्स क्यों कहते हैं, क्योंकि एडिकल का मतलब होता है अ स्टोन इन बिटवीन, मतलब कि एक स्टोन है जो ऊपर से आया था, वो अटक गया था, उस वजह से उस केव्स का नाम पड़ा एडिकल केव। Are you watching this view? Mast hai na? बहुत थका आ रहा था मैं, तो मैंने फ्रूटी ले ली, तो इस बंदर ने मुझसे वो फ्रूटी ले ली। सेम मेरे दोस्तों वाली हरकतें कर रहा था ये बंदा। सुबह से मैंने सिर्फ नाश्ता किया था, अभी 3 बज चुके हैं, सो कुछ तो खा लेते और निकलते अपने रूम पर, थोड़ा रेस्ट करेंगे।